अकोला जिले में चुनावी मौसम के दौरान खदान पुलिस ने साहसिक कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल चुनावी मौसम आते ही पार्टी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन भी इस समय पूरी मुस्तैदी से लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में चुनाव ड्यूटी पर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर धनंजय सायरे को सूचना मिली कि हिंगड़ा फाटा में एक युवक देसी पिस्तौल के साथ घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर धनंजय सायरे ने तुरंत अपने डीबी स्टाफ को मामले की जांच के लिए भेजा, जहां पुलिस की टीम ने एक देशी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस समेत कुल 90,000 रुपए का माल जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से साबित होता है कि अकोला पुलिस अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही है और चुनाव के दौरान भी अपराध को रोकने के लिए सतर्क है। अकोला से संवाददाता शाहिद इकबाल की रिपोर्ट। आज रोजी पोलीस स्टेशन खदान अंतर्गत येणारा हिंगणा फाटा या ठिकाणी एक इसम अग्निशस्त्र घेऊन फिरत आहे, तर त्याच्याकडे अग्निशस्त्र असल्याचा संशय अशी गोपनीय खबर आम्हाला मिळाली। त्यानुसार आम्ही माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्या ठिकाणी पोलीस स्टाफसह जाऊन सापळा रचला आणि एका इसमास मोटरसायकलसह आम्ही त्या ठिकाणी रंगात पकडले। त्याचं नाव आम्ही विचारलं असतं, त्यांना आपलं नाव मिर्झा इम्रान बेग, मिर्झा सलीम बेग, वय 33, राणा खैर मोहम्मद प्लॉट डाक्टी रोड अकोला असे सांगितले। त्याच्या मोटरसायकलला जी खैदी अडकवलेली होती त्याची आम्ही झडती घेतली असता त्यामध्ये देशी बनावटीचे एक पिस्तोल आणि एक 5 जिवंत काडतूस आम्हाला मिळालेले आहेत। आम्ही ते पंचांसमक्ष जप्त केलेले आहे, आरोपीला ताब्यात घेतलेले आहे। पुढील कारवाई पोलीस स्टेशन सुरू आहे। सदरची कारवाई ही पोलीस अधीक्षक श्री बच्चन सिंग यांच्या मार्गदर्शनाखाली, अपर पोलीस अधीक्षक श्री डोंगरे साहेब आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री गोपनीय साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे।